हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वेरी वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिजल्ट डिले एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन एसईपीसी टाइम टेबल। अब दोस्तों, यहाँ पर रिजल्ट के काफ़ी ज़्यादा चांस है कि ये मई महीने के फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल महीने के में लास्ट वीक में यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बट यहाँ पर सबको पता ही है कि गुजरात के अंदर 7 मई को यहाँ पर इलेक्शन है, लोकसभा के जनरल इलेक्शन। तो इसकी वजह से यहाँ पर ना ही तो 12th साइंस, ना ही तो 12th कॉमर्स और ना ही तो 10th के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हो पाए हैं। और पता नहीं यहाँ पर बोर्ड ने भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि ये कब आएगा। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पर एसईपीसी का जो टाइम टेबल है इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह के स्टार्टिंग के फेज का यहाँ पर टाइम टेबल देखने को मिलता है कि जिसके अंदर अगर हम इसको हाईलाइट करें तो इसमें की इवेंट्स में है। सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका 2 तारीख से लेके 15 मई तक, और जिसके अंदर यहाँ पर बोर्ड का एक्सपेक्टेशन इस तरह से कुछ था कि इधर इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 12th गुजरात बोर्ड का। बट अभी तक यहाँ पर कोई भी अपडेट बोर्ड की ओर से नहीं देखने को मिली है और ना ही तो यहाँ पर कोई भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आई वुड डेफिनेटली श्योर कि यहाँ पर आपका ये जो डेट है 15 मई, इसको भारी मात्रा में चांसेस है कि ये एक्सटेंड किया जाएगा, यानी कि इसमें 10 दिनों की बढ़ोतरी कर दिया जाएगा या फिर 2 वीक या फिर 1 वीक, कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर से आएगा। क्योंकि यहाँ पर इसके सामने सीबीएसई रिजल्ट के बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट भी यहाँ तक डिक्लेयर नहीं हुए, तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर चेंजेस मिलने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो आगे के इवेंट में इतना ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर 10 दिनों का एक्सटेंशन देखने को मिलता है तो ये सारी डेट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिनों का चेंज ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।